हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, एमए रसोई चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। आज हम बनाएंगे बेसन का हेल्दी नाश्ता। हमने बेसन को हमने 2 चम्मच ले लिया है छोटी चम्मच से। इसे हम मिलाएंगे छोटी चम्मच से। 1/4 चम्मच हमने नमक ले लिया है, इसे डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, अच्छे से मिलाएंगे। हमने बेसन को हमने इस चम्मच से 2 चम्मच लिया है। हमें ना ज़्यादा घोल को ज़्यादा पतला करना है ना मोटा करना है। देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। हमें इस तरह का घोल चाहिए, ना हमें ज़्यादा मोटा ना हमें पतला चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने प्याज को काट लिया बारीक बारीक, इसे भी डाल देंगे। और हमने 2 से 3 हरी मिर्च को काटा बारीक, इसे भी डाल देंगे। और जो हमारी हरी धनिया है इसको भी हम डाल देंगे, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। हम सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बना कर देखें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। हमारा घोल अभी थोड़ा मोटा सा है, अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। हमने जो 2 ब्रेड ले ली है इसको हम काट लेंगे। हमें इस तरीके से काटना है ब्रेड को। देखिए हमने दोनों ब्रेडों को काट लिया है, काट के इतने पीस कर लिए हैं। आप अपने पसंद के आकार के पीस कर सकते हैं। अब हम गैस जलाएंगे। हमने गैस की फ्लेम को हमने जला लिया है। अब हम इस पर तवा रखेंगे, तवा को गरम करेंगे। हमारा तवा गरम हो गया है। हमने तवा पर हमने तेल डाल लिया है, हमने 1 चम्मच तेल डाल लिया है तवा पर छोटी चम्मच से। अब इसके बाद थोड़ा गरम करेंगे तवा को। देखिए हमारा तवा गरम हो गया है। अब इस पे जो हम घोल डाल देंगे, थोड़ा फैला लेंगे थोड़ा। देखिए हमने अपने घोल को अच्छे से फैला लिया है। अब इसमें हमने जो ब्रेड काटे थे इनके पीस को डाल देंगे एक एक करके। देखिए हमने सारे फीसों को हमने लगा लिया है। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। देखिए हमारा चीला ऊपर से हल्का ड्राई हो गया है। अब इसे हम पलटा देंगे, बड़ी आराम से पलटाना है। अब इस साइड भी हम तेल छोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारे साइड भी अच्छे से सिक जाए। हमारा ब्रेड का चीला बन के तैयार हो गया है। अच्छे से दबा देंगे, दबा दबा के अच्छे से सेक लेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। देखिए अब हम इसे इस साइड से भी पलटाएंगे, देखेंगे हमारा देखिए कैसे अच्छा हमारा बन के तैयार हुआ है बेसन और ब्रेड का चीला। देखिए आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं।